अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस किया था। अब उन फार्मूलाज को यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स व्हेन वाई इज इक्वल्स टू साइन एच टू एक्स के इक्वल है। ठीक है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो वाई की वैल्यू है उसका आपने दोनों साइड्स पर डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एच एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही फार्मूलाज जो है वो सारे ड्रॉ किए थे। तो उसके थ्रू जो साइन एच एक्स था ना हमारे पास, उसका जो डेरिवेटिव है ना वो हमारे पास, सॉरी यहां पर हमारे पास ये टू आएगा, साइन एज वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक टू एक्स। ठीक है, यहां पर भी उसी तरह से आएगा। ठीक है, अच्छा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यही तो डेरिवेटिव भी फाइंड किए थे, तो वो जरा देख लेते हैं कि डेरिवेटिव किस तरह से उनको यूज करके फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, तो साइन एच एक्स का जो फार्मूला था ना वो हमने कहा था कि वो आएगा कॉस एच, ये तो एज इट इज आएगा, और साथ ही जो एंगल है ना इसका डेरिवेटिव लाजमी साथ मेंशन करना है। फार्मूला जब मैंने ड्रॉ किया तो वहां डेफिनेटली यहाँ एक्स था, तो हमें समझ आ जाती थी कि एक्स का डेरिवेटिव वन ही होता है, तो लिखे ना लिखे बात एक ही होती, लेकिन यहाँ चूंकि एक्स के साथ टू भी है तो टू एक्स का डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो कॉस एच टू एक्स, यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो टू बाय रहेगा और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा वन। तो हमारे पास इस फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव क्या आ गया, टू इंटू कॉस एच टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी, इसी से रिलेटेड एक सेकंड एग्जांपल है। फंक्शन उसमें चेंज होगा, करना हमने यही है, डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस फार्मूलाज। ठीक है, इसमें भी हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जबकि वाई जो है वो हमारे पास आ रहा है टेन की फॉर्म में, टेन एच एक्स स्क्वायर। सबसे पहले वाई की वैल्यू है उसके दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला के थ्रू हमने इसका भी डेरिवेटिव देखा था, तो वही फार्मूला जो है, तो टेन का जो डेरिवेटिव था ना हमारे पास वो था सीकेंट एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, सीकेंट एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, रीजन में आप अभी से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक्स के एंगल की जगह तो वही है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि डेरिवेटिव जो था टेन एच एक्स का वो बेसिकली किसके इक्वल आया था, सिकेंट एच स्केर एक्स। देखिए इधर एक्स था तो उधर एक्स ही आएगा, अब इधर एक्स स्केर है तो उधर एक्स स्केर ही आएगा, एच स्केर तो अपनी जगह पर है और साथ जो है एक्स का डेरिवेटिव भी आना चाहिए, जो कि उस वक्त क्यों नहीं आता था, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो लिखे ना लिखे तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर का है वो डेरिवेटिव साथ आएगा। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है टू एक्स, सो फाइनल जो आंसर है वो टू एक्स इंटू सीकेंट एच स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, जिस तरह से अभी हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव डिस्कस किए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स ऑफ
इनवर्स द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहां पर जो इनवर्स हैं वो देखने हैं कि वो किसकी को लाएंगे। अच्छा, तो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में सबसे पहले जो साइन है उसका हमने डेरिवेटिव देखना है, तो उसका डेरिवेटिव हम मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, प्रूफ इसका बिल्कुल सिंपल सा है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस x² स्क्वेयर रूट। ठीक हो गया। सेकेंड नंबर पे कॉस हाइपरबोलिक का देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कॉस वो इक्वल आएगा 1 ओवर x² - 1 स्क्वेयर रूट। अच्छा, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट है जी थर्ड, टेन हाइपरबोलिक का, टेन इनवर्स हाइपरबोलिक का। तो टेन इक्वल आएगा 1 - x² और नंबर फोर पे हमारे पास कॉट। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 - x² सीकेंड का भी देख लेंगे। सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो है -1 x * 1 - x² और कोसेकेंड का जो है वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंड -x 1 + x². ठीक है स्टूडेंट। तो जिस तरह के हमारे पास हाइपरबोले के 6 फार्मूलाज थे डेरिवेटिव के, उसी तरह से जो इनवर्स हाइपरबोले के उसके भी क्या हैं, उसी तरह से 6 फार्मूलाज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी रिलेटेड एग्जांपल है इनवर्स हाइपरबोलिक की वो सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।